हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशास वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने में तो ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर कुकीज़ की रेसिपी, जो क्रिसमस में बहुत फेमस होता है। बटर कुकीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हम एक ही डो से चार तरह का बटर कुकीज़ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बटर कुकीज़ बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सबसे पहले क्लीन बोल लिए, उसमें 50 ग्राम बटर ले लिया। इसको हम बीट करेंगे विस्क से। आपके पास विस्क नहीं है तो फॉग या तो बीटर को मदद भी ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर का बटर होना चाहिए। अब हम इसमें हाफ कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से कंबाइन कर देंगे बटर और शुगर को। आप हाथ से भी कर सकते हैं, अभी मैं हाथ से करके दिखाऊंगी। हाथ से करने से अच्छे से कंबाइन हो जाता है। देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ। चलिए हम इसे अच्छे से कंबाइन कर देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से कंबाइन हो चुका। अब हम इसे विस्क की मदद से अच्छे से बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर दिया। उसके बाद एक कप मैदा और पिंच सॉल्ट डालेंगे। नमक डाल दिए, एक पिंच नमक डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें एग वाइट डालेंगे। एक एग का वाइट मैंने लिया है हमें, फिर इसे एक डो बना देंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके इसको भी मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा डो रेडी हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी हो चुका है। फिर मैंने एक पाइपिंग बैग में एक फ्लावर नोज़ल डाल दिया, जो हमारा स्टार का फ्लावर नोज़ल होता है वो डाल के उसमें हमारा बैटर का डाल के उसको फ्लावर डिज़ाइन डाल ड्रॉ करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही करिएगा आप भी। मैंने यहाँ बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा दिया है। चलिए सब हम बना देते हैं। देखिए आप कैसा भी बना सकते हैं, बट एकदम अच्छे से बनाइएगा। मैं यहाँ में रोज ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ में रोज ड्रॉ कर दिया। फिर जो बचा वाला डो है उसको हम इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हम मैं यहाँ में चार कुकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए पहला कुकी मैंने शेयर कर दिया। अभी बचा है तीन कुकी की रेसिपी, तो उसमें से मैंने तीन पार्ट कर दिया जो डो था। तो पहला डो में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करके देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने हमें क्लीन रैप लिया है, उसके ऊपर भी क्लीन रैप रख के इसको बेल देंगे हम अच्छे से। देखिए मैंने बेल दिया है। अब हम कुकी कटर की मदद से इसे कट कर देंगे। ये देखिए मैं हार्ट शेप का कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास क्रिसमस का कोई भी कुकी कटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं क्रिसमस थीम के ऊपर। मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं हार्ट शेप, जो मेरे पास नॉर्मली जो कुकी कटर है, मैं उस शेप में कट कर रही हूँ। चलिए इसे सब मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया है। मेरे पास स्टार भी था तो मैंने स्टार कट कर दिया। आपके पास जो शेप का कुकी कटर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए सारा कट करके मैं दिखाती हूँ आपको। इसको हैंडल करने आपसे नहीं हो रहा है तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा डो को 1 घंटे के लिए, तो एकदम थोड़ा टाइट हो जाएगा अगर आपका हैंडल करने नहीं हो रहा है आपका डो। चलिए फिर मैंने फिर से बेल दिया है उसको। फिर उसको कट करेंगे, जो शेप में चाहिए आप वो शेप का कुकी कटर से कट कर सकते हैं। देखिए मैं हमारा दूसरा डो है उसे मैंने पिस्ता एसेंस फ्लेवर दिया, पिस्ता फ्लेवर। इसमें पिस्ता फ्लेवर भी होता है, कलर भी होता है, तो ये पिस्ता कुकीज़ बनेगा। इसको भी मैंने क्लीनिंग रैप में रख दिया। अगर आपके पास क्लीनिंग रैप नहीं है तो बटर पेपर भी रख सकते हैं। फिर इसे भी बेल के इसे भी शेप दे देंगे, शेप में कट कर देंगे। इसके लिए मैंने राउंड शेप के लिए मैंने मेरे पास आजमोला का एक ढक्कन था वो ले लिया। आपके पास जो भी ढक्कन होता है वो ले सकते हैं आप। देखिए मैंने स्टार के लिए स्टार नोजल के उसका बीच में एक होल, जो हमारा
कैप से एक होल करके उसमें भी एक डिज़ाइन दी है। फिर जो दूसरा वाला है उसमें मैंने रेड कलर डाल दिया ताकि रेड वेलवेट का टेस्ट आए। इसे भी कट कर देंगे सब। फिर ये सारा कट कर देंगे हम, जैसा कट करना है वो सब आपकी मर्जी है। देखिए मैं बीच में होल भी दे रही हूँ, ये आपको लास्ट में दिखाएगा क्या करने के लिए होल दिया था मैंने। चलिए सब प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए इसे बेक कर देना है आपको 180 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए। ओवन को 10 मिनट प्री हीट कर दिया 180 डिग्री सेल्सियस में, फिर उसको 15 मिनट बेक किया 180 डिग्री सेल्सियस में। देखिए परफेक्टली बेक हो चुका है। अब मैं इसके बीच में व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करके इसे, तो व्हिपिंग क्रीम लगा रही हूँ उसके सेंटर में। आपकी मर्जी है, व्हिपिंग क्रीम की जगह आप कोई भी जाम भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, या प्लेन भी रख सकते हैं, प्लेन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये बटर कुकीज़। चलिए मैं प्लेट में प्लेस करके आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं प्लेट में कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो होल रखा था उसमें हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे तो होल से व्हिप क्रीम बाहर आता तरह लगेगा। चलिए सारा बन चुका है हमारा, ये बटर कुकीज़ का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्रिसमस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। साथ ही अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, बेल आइकन क्लिक करने तो ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग निशास वर्ल्ड।